जय श्री राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानेंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करते समय हमको उस मसल से ज्यादा उसके सपोर्टिंग मसल्स पे प्रेशर फील होने लगता है और वहां पे किसी तरह का स्ट्रेन आ जाता है, पेन होने लगता है। जैसे कभी बैक पेन होना, कमर में दर्द होना, कमर में खिंचाव आना। जैसे बाइसेप्स पीक के लिए मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है डंबल कॉन्सेंट्रेशन कर्ल, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस एक्सरसाइज को झुक के लगाने में कमर में दर्द आ जाता है, बैक पेन हो जाता है। तो आप इस एक्सरसाइज के अल्टरनेट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं इसका अल्टरनेटिव। इस तरीके का एक बेंच ले जो अराउंड 45 डिग्री इंक्लाइंड हो। बहुत ज्यादा उठा करके इसको नहीं रखना है। इसमें एक हाथ से आप बेंच के ऊपर सपोर्ट ले सकते हैं और दूसरा आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। धीरे धीरे इसको परफॉर्म करें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे बाइसेप पीक पर भी बहुत ही अच्छा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा पंप मिल रहा है मेरे बाइसेप पे और मेरे कमर पे या बैक पे किसी तरह का कोई अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, जिससे मेरा कमर दर्द भी नहीं होगा और मेरे बाइसेप मसल भी अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। ट्राइसेप्स के लिए डंबल किकबैक लगाते समय हमारे बहुत सारे भाइयों को इस एक्सरसाइज को झुक के लगाने में कमर पे दर्द फील होता है, तो उनके लिए इस एक्सरसाइज को झुक के करने से ज्यादा अच्छा है कि वो खड़े खड़े इस तरीके से इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके ट्राइसेप पे भी अच्छा प्रेशर फील होगा और आपके बैक पे भी पेन नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे एक्सरसाइज की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब फ्रंट शोल्डर्स को ट्रेन करते समय जब हम मिलिट्री प्रेस लगाते हैं तो मिलिट्री प्रेस लगाते समय कई लोगों को इसमें फ्रंट शोल्डर्स पे उतना फील नहीं होता है, तो आप इसका एक इजी वर्जन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बारबल से लगाने से अच्छा आप इसको डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें डंबल को फ्रंट शोल्डर्स के सामने रखें और ऐसे लिफ्ट करें सिर के ऊपर। ध्यान रहे कि आपका एल्बो पूरा स्ट्रेट ना हो, एल्बो हल्का सा बेंड रहे और आप फ्रंट शोल्डर स्पेस पे बहुत ही अच्छा प्रेशर फील कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।